नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों का। पंजाब नेशनल बैंक का 13,000 करोड़ से भी अधिक की रकम लेकर एंटीगुएना में जा बसे आर्थिक भगोरा मेहुल चौकसी के भारत प्रत्यर्पण की कोशिश के बीच वहां के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने मेहुल चौकसी की एंटीगुएना की नागरिकता को रद्द करने का ऐलान किया है। आर्थिक तंगी के चलते कंगाल हो रहे पाकिस्तान की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए तेल के धनी देश कतर ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का नया निवेश करने का ऐलान किया है। गुजरात में राज्यसभा की खाली हुई 2 सीटों पर एक साथ चुनाव की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को दोनों सीटों पर अलग अलग चुनाव कराने को हरी झंडी दे दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच सियासी दोस्ती टूटने के बाद एसपी से निष्कासित राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से की, जिसने अपने ताजपोशी के लिए अपने पिता शाहजहां को कारागार में डाल दिया था। आंध्र प्रदेश की नवनिर्वाचित जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बाद अब उनके परिवार की सुरक्षा घटाने का फैसला किया है और इसके तहत चंद्रबाबू नायडू के बेटे और पूर्व राज्य मंत्री नारा लोकेश को अब मात्र 4 सिपाही के साथ सुरक्षा मिलेगी। आपको बता दें कि इससे पहले उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से 2002 मामले के लिए माफी की मांग करते हुए कहा कि जो व्यक्ति माफी मांगने, टोपी पहनने, प्रधानमंत्री होते हुए भी राष्ट्रपति के इफ्तार पार्टी में जाने को तैयार ना हो, वह अपने पहले भाषण में सबसे विश्वास की बात करता है। प्रधानमंत्री को संविधान के प्रति आस्था दिखाने के लिए बधाई, लेकिन कहीं यह जुमला ही तो नहीं है। गुजरात से राज्यसभा चुनाव के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज राज्य विधानसभा में नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि मैं बीजेपी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे राज्यसभा के लिए चुना। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात गांधी, सरदार, मोदी और शाह की भूमि है। गुजरात के साथ जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये राज्य ग्लोबल राज्य है, मेरा नाता गुजरातियों से पुराना है। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधते हुए उसे भाजपा का गुलाम बताया और कहा कि भाजपा आत्मनिरीक्षण करे कि आखिर तमिलनाडु के लोगों ने हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को क्यों नकार दिया। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डोरेक ओबराय ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में कुपोषण और बेरोजगारी का संकट है, देश में अशिक्षित लोगों की भरमार है और मानव सूचकांक में हम लीबिया से भी पीछे हैं। देश में महिलाओं और किसानों की हालत खराब है, लेकिन हम महिला सांसदों की संख्या को गिनकर ताली बजा रहे हैं, जबकि महिला सांसदों की संख्या 30% भी नहीं है। संसद में आज पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के सांसद मिमी चटर्जी और नुसरत जहां ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान दोनों सांसदों ने बंगला भाषा में शपथ ली और इसके साथ ही स्पीकर ओम बिरला के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि इससे पहले दोनों सत्र की शुरुआत में उपस्थित नहीं हुए थे, जिस कारण आज उन्होंने शपथ ली। बिहार में एईएस बुखार में आ रही कुछ कमियों के बीच सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि राज्य के सीएम नीतीश कुमार प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि बीजेपी सूत्रों ने भी स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे में बीजेपी जेडीयू के बीच यह बड़ा सियासी मामला बन सकता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक कर कई प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान दी है। इस दौरान सरकार ने फैसला किया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए सरकार बैंकों से 3,000 करोड़ रुपए ऋण लेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार राज्य के लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर मेहरबान है, जिसकी वजह से जांच एजेंसियों को अफसरों के खिलाफ अदालती कार्रवाई की मंजूरी नहीं मिल पा रही है। इस कारण एक या दो नहीं बल्कि 348 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं।
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने गुर्जरों को सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में MBC के तहत 5% आरक्षण देने का आदेश जारी करते हुए कहा कि RAS भर्ती 2019 में भी MVSC के तहत 5% आरक्षण लागू होगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बॉन्ड्स में कम ब्याज दर मिलने के कारण मोदी सरकार जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए PPF, NSC और सुकन्या योजना पर ब्याज दर में 0.30% तक घटा सकती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि वह नए केबल टीवी टैरिफ सिस्टम की खामियों को दुरुस्त करने के लिए उसमें बदलाव कर सकता है। आपको बता दें कि अपनी इस योजना को लेकर ट्राई का कहना है कि नई व्यवस्था से बदलाव का नया दौर शुरू हो गया है और पारदर्शिता भी बढ़ी है, जिसके बाद अब ग्राहक कई ऑपरेटरों में से अपनी पसंद का कोई भी ऑपरेटर चुन सकते हैं। एक रिसर्च के जरिए दावा किया गया है कि नौकरी के दौरान छुट्टियां लेकर प्रकृति की गोद में वक्त बिताने से उपाचय संबंधी लक्षणों को कम करने में, दिल की बीमारियों को दूर रखने में काफी सहायता मिलती है। इससे व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रवाडा ने विश्व कप में नॉट आउट की दौड़ से बाहर हो चुकी दक्षिण अफ्रीकी टीम के प्रदर्शन को लेकर इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी टीम को विश्व कप में अपने असफल अभियान से सबक लेना चाहिए। फिल्म अभिनेता शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है और इस फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, लेकिन इस बीच लेखिका शोभा डे ने फिल्म के कंटेंट पर सवाल उठाते हुए इस फिल्म को नहीं देखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि मैं शाहिद कपूर की फैन हूं, लेकिन स्टॉकिंग को किसी भी तरह से न्याय नहीं दिलाया जा सकता। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता अनुपम खेर अपनी आत्मकथा लिखेंगे जो अगस्त तक प्रकाशित होने की संभावना है और इस पुस्तक का नाम लेसेंस लाइफ टॉट मी अननोइंगली होगा। आपको बता दें कि इस पुस्तक के प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस ने कहा है कि यह एक असाधारण और दिलचस्प पुस्तक होगी जिसमें खेर पर्दे के पीछे का सब कुछ खुलासा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के गुजर जाने के बाद भाजपा ने आज होने वाली संसदीय दल की बैठक को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि सैनी को फेफड़ों में इन्फेक्शन होने के कारण पिछले दिनों एम्स में भर्ती कराया गया था। उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष दरवेश यादव के मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस VR गवई की अवकाशकालीन पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ने के बाद अब BSP सुप्रीमो मायावती ने सपा के कोर वोटर मुस्लिमों को साधने के लिए अपनी राजनीतिक बिसात बिछा दिया है, जिसके तहत उन्होंने अमरोहा से पार्टी के सांसद दानिश अली को अपनी पार्टी की ओर से प्रदेश के मुस्लिमों का बड़ा चेहरा बनाते हुए इस समुदाय को जोड़ने के लिए खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को और अधिक बनाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 2 कानूनों को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब NIA विदेशों में भी जांच कर सकती है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल दी है, जिस कारण से दिल्ली NCR गुरुग्राम समेत UP के कई इलाकों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि दिल्ली में आज शाम तक बारिश हो सकती है। उत्तर रेलवे आज से यूपी के लखनऊ स्थित चारबाग स्टेशन में ट्रैक मैनेजमेंट के चलते 12 जुलाई तक के लिए 33 एक्सप्रेस पैसेंजर और मेमू ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 12 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। एक रिपोर्ट के जरिए खुलासा किया गया है कि कारोबारियों को राहत देने के लिए मोदी सरकार जल्द ही पूंजी लागत घटाने और कर्ज आवंटन बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए लघु बचत पर ब्याज दर को कम करने का फैसला कर सकती है। दिल्ली सरकार की अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार के राष्ट्रपति भवन परिसर स्थित दिल्ली सरकार के स्कूल को केंद्रीय विद्यालय में बदलने के लिए सहमति दे दी है। आपको बता दें कि यह वही स्कूल है जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के अनुरोध पर लगातार 2 साल शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक के रूप में उपस्थित हुए थे। मोदी कैबिनेट बड़ा कदम उठाते हुए व्हीकल अबैंडमेंट बिल को मंजूरी दे दिया है, जिसके तहत सड़क पर यात्रा को और अधिक सुरक्षित किया जा सके। आपको बता दें कि इस बिल के तहत ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना, ट्रैफिक नियमों का पालन हो सके इसके लिए ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव जैसे सुधार शामिल किए गए हैं।
नेपाल के हिलसा के नजदीक तेलंगाना के 40 लोग बीते 4 दिनों से फंसे हुए हैं। अब इन लोगों ने सरकार से मदद मांगी है। आपको बता दें कि नेपाल के उत्तर पश्चिम में तिब्बत सीमा के पास स्थित हिलसा में इन लोगों को कैलाश मानसरोवर से लौटते वक्त उस ट्रैवल एजेंसी ने छोड़ दिया है जिससे वे पंजीकृत थे। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने एंड्रॉइड को मौका देने को अपनी अब तक की सबसे बड़ी गलती करार देते हुए कहा है कि नॉन एप्पल फोन प्लेटफॉर्म लॉन्च ना करना और एंड्रॉइड के लिए गूगल को मौका देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि एंड्रॉइड ओएस लॉन्च कर गूगल दूसरी कंपनियों को पीछे छोड़ आगे निकल गई है। चुनाव आयोग ने IRTC के तहत चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की लोकसभा के दौरान असहमति वाली टिप्पणियों का खुलासा करने से इनकार करते हुए कहा है कि RTI एक्ट के नियम 8(1)(g) के तहत इस सूचना का खुलासा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। चीन ने व्यापारिक मोर्चे पर अमेरिका की घेराबंदी के लिए भारत और रूस की मदद लेने की तरफ संकेत देते हुए कहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ओसाका में इस हफ्ते होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अमेरिका का एक तरफा व्यापार नीतियों पर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से लेकर 18 जून तक कुल 64,700 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। नई शिक्षा नीति के जरिए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में हर हाल में आमूलचूल बदलाव की घोषणा करते हुए मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि मातृभाषा का सम्मान किए जाने के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। नई शिक्षा नीति के जरिए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में हर हाल में आमूलचूल बदलाव की घोषणा करते हुए मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि मातृभाषा का सम्मान किए जाने के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। विदेश यात्रियों को और अधिक सुगम बनाने के लिए विदेश मंत्रालय ने प्राथमिकता के आधार पर ई पासपोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया है ताकि निकट भविष्य में उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ यात्रा दस्तावेज तैयार किए जा सके। बिहार, ओडिशा और गुजरात से खाली हुई राज्यसभा की 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि बिहार से 1, गुजरात से 2 और ओडिशा से 3 सीट खाली हुई हैं, जिसमें से केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम गुजरात से BJP उम्मीदवार के तौर पर निश्चित माना जा रहा है। घर खरीदारों के संगठन SPASE ने सरकार से आगामी बजट में देश भर की अटकी पड़ी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक अलग कोष बनाने की मांग की है और कहा है कि ऐसा करने से परियोजनाओं में संपत्ति बुक कराने वाले 5,00,000 से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान PM नरेंद्र मोदी की तुलना गंदी नाली से की थी, जिस पर उन्होंने माफी मांगते हुए कहा है कि अगर PM नरेंद्र मोदी मेरी टिप्पणी से नाराज हैं तो मुझे खेद है और मैं खुद उनसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगूंगा। ये थी दिन भर की बड़ी खबरें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।